बात करेंगे दसवीं कक्षा के गणित से क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इससे पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा नया नया वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 7 डिग्री है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक आधार बनाएंगे यानी भूमि, और यहां से पतंग उड़ रही है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। यह 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है यहां पर, और जिसका झुकाव डोरी का झुकाव यहां पर है, वो जो भूमि के साथ वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ पे पतंग उड़ रहे ए बिंदु पर, ये बी इसको सी मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई है 60 मीटर। यहाँ पे एक पतंग उड़ रही, यहां से इसकी ये दूरी हो गया। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। माना कि ये एक पतंग है, एक पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और पतंग की डोरी सी बिंदु पर बांधा गया है, और पतंग की डोरी को भूमि के सी बिंदु पर बांधा गया है, जिसका झुकाव 60 डिग्री है। यानी ये जो डोरी है, यहाँ पर जो पतंग उड़ रहे हैं ए बिंदु पर, इसकी डोरी का झुकाव जो है सी बिंदु पर 60 डिग्री है, और भूमि से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये हो गया डोरी, ये है पतंग, तो डोरी की लंबाई हमें निकालना है, और ये में ऊंचाई दिया हुआ है, यानी पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये हो गया लंबाई लंब, और ये अब डोरी हमें निकालना है यानी कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले उसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा में, साइन थीटा का मान यहाँ पर कोण जो है झुकाव कोण, डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री देंगे बराबर लंब। लंब इसमें ये हो गया जो पतंग उड़ रहे हैं भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये हो गया उसका लंब यानी ए और बी, तो ए बी बट्टा कर्ण इसमें ए सी डोरी जो है ए सी। तो अब यहाँ पर हम उसको मान भरेंगे साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट थ्री बटा टू, रूट थ्री बटा टू बराबर ए बी यानी लंब, लंब जो ए बी दिया हुआ है 60 मीटर, यहाँ पर देंगे 60 बट्टा ए सी, ए सी आधार, आधार कुछ नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, कर्ण आधार नहीं कर्ण निकालेंगे, यानी कर्ण जो है ए सी कुछ नहीं यहाँ पर दिया हुआ है। कर्ण को चाहे हम यहाँ पर एक्स भी मान सकते थे, डोरी की लंबाई हम एक्स भी मान सकते थे, और नहीं मानेंगे तो ए सी का ए सी हम छोड़ देते हैं, तो बट्टा हम ए सी रखते हैं। अब इसको हम बीसी हम करते हैं, बीसीएम का अर्थ होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी त्रिज्या गुना जिसको कहा जाता है, और यहाँ पर हम त्रिज्या गुना करेंगे ए सी को और रूट थ्री को, जगह हम गुना करते हैं तो ए सी रूट थ्री होता है। अब बराबरी, अब 60 के और 2 को गुना करेंगे 60 गुना
120। अब एसी उसमें से निकाल लेंगे तो एसी बराबर 120 बट्टा होगा √3। अब इसको हम परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण तो यहां पर चलते हैं एसी बराबर 120 बटा √3, इसको हम परिमेयकरण करेंगे। यहां परिमेयकरण करने के लिए यहां पर गुणा का चिन्ह देना होगा और जो नीचे वाली संख्या आई है इसको जो हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखना है √3/√3, इसको कहते हैं परिमेयकरण। इसको अब हम गुणा करेंगे एसी बराबर तो 120 को और √3 को अगर हम गुणा करते हैं तो 120 √3 होता है और √3 और √3 को अगर हम गुणा करते हैं तो यानी 3 हम लिख सकते हैं या नहीं तो √3 × √3 को अगर हम गुणा करते हैं तो 3 × 3 √9 होता है और 9 को वर्ग हम करते हैं तो रूट से निकालने के लिए उसको हमें वर्ग करना पड़ता है तो 9 का वर्ग होता है 3। यानी डायरेक्ट हम इसलिए 3 दे दिए। एसी बराबर अब हम काटेंगे 3 से 120 को काटेंगे 3 × 12 = 0 यानी 40। 40√3 मीटर यानी एसी बराबर 40√3 मीटर हो गया। तो एसी पतंग की डोरी है तो इसको हम लिखेंगे क्योंकि पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर यानी पतंग की डोरी का लंबाई हो गया 40√3 मीटर। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।